नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का कौटिल्य कंपटीशन में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें सारे एग्जामिनेशन में जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। हम जो ये शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करने वाले हैं और टॉप तक लेके जाने वाले हैं, ठीक है। इसके हमारे रेगुलर क्लास आएंगे, हो सकता है इस वीक नहीं आए तो अगले वीक आएंगे, लेकिन ये आपको जीरो से लेके टॉप तक पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और लिखो सबसे पहले ज्योमेट्री। मेरा सवाल आप लोगों के लिए सबसे पहले ये है कि ज्योमेट्री क्या है। What is geometry? कौन बता सकते हैं, किनको किनको पता है ज्योमेट्री क्या है? एकदम सिंपल, साधारण और आसान शब्दों में कहना है, एक लाइन में कहना है। कौन कौन बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री जो है कुछ नहीं है, बस फंक्शन of point. Geometry is nothing but a function of points. और कुछ नहीं है ज्योमेट्री। आपको पता है, आप किसी भी चीज की बात करो, आप एक लाइन की बात कर रहे हो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। आप एक ट्रायंगल की बात करो, ये लाइन से जुड़े हुए, ये भी क्या है आपका, पॉइंट से बने हुए हैं। अगर आप रेक्टेंगल की बात करो, आप पॉलिनोमियल की बात करो, जैसे भी बात करो, आप जिगजैग लाइन की बात करो, आप सेकंड लाइन की बात करो, आप जो जिस चीज की भी बात करो, वो किससे बना हुआ है, पॉइंट से बना हुआ है। हम लोग जो इस पे पढ़ेंगे वो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, नंबर वाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉइंट। उसके बाद पॉइंट से क्या बनता है, लाइन। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइन के बारे में। उसके बाद लाइन से क्या बनता है, अगर सबसे पहली बात करें हम तो लाइन से बनता है हमारा ट्रायंगल। उसके बाद क्या बनता है, चौथा नंबर का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल उसके बाद क्या बनता है, पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन में सब आ गया, जैसे पेंटागॉन या फिर हेक्सागॉन या फिर ऑक्टागॉन, सारे इसी पॉलीगॉन में आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, सर्कल। लगभग इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, और जो एक मिसलेनियस होता है, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा चीज पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग लाइन पढ़ेंगे तो लाइन में क्या क्या लाइन होता है, ट्रायंगल पढ़ेंगे तो कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है, जैसे आपको इसमें आता है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और भी जितनी भी चीज होती है, जैसे आपको आइसोस्केल्स, सॉरी वो तो ट्रायंगल में आता है, ठीक है। इसमें जितने भी चीज आते हैं सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे पॉलीगॉन में होता है तो आपको बता ही दिया, सर्कल में आपको टेंजेंट, सेकंड लाइन या फिर क्या बोलते हैं, जितनी भी चीजें सर्कल्स की होती है सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, पॉइंट से, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लिया हम लोग, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, What is point? कौन बता रहे हैं, जो भी बताएंगे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है point, ठीक है। Point कुछ नहीं होता है, ये एक होता है, point is a circle of zero radius. Point क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, जीरो, ठीक है।
ऐसे पॉइंट्स से हमारा सवाल आता भी नहीं है और पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो पॉइंट्स से लेकिन जो जो चीजें बनती है वो इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट्स से क्या बनता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लाइन। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, लाइन। तो सबसे पहले लिखिए लाइन। अब तुरंत सवाल ये उठता है कि लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन। कौन कौन बता रहे हैं व्हाट इज लाइन। देखिए लाइन जो है कुछ नहीं है, बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, जिनको हिंदी इतना इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग सुन सुन के लिख सकते हो, ठीक है। लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का समूह है, बिंदु का समूह है, ठीक है। जैसे अगर हम बिंदु को लें, एक ऐसे ऐसे बिंदु हमारा जा रहा है, तो ये क्या है, क्या ये लाइन होगा, क्या ये लाइन होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा, ये लाइन है, लेकिन क्या है, कैसी लाइन है, जिगजैग लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, तो हम लोग सबसे पढ़ने पड़ेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा होती है, जो रेखा सीधी रेखा में जाती है, हम उस रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लाइन के अंदर हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, तीसरा पढ़ेंगे सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। तो पॉइंट बनाइए स्ट्रेट लाइन, और हमें बताइए कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। अगर मैं जल्दी इरेज कर दे रहा हूँ तो आप लोग वीडियो पास करके लिख लेना, ठीक है, या फिर दोबारा देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक। तो हमारा सवाल ये है कि हमें पता करना है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। देखिए हमेशा कोशिश कीजिए चीजों को सिंपल बनाने का, जितना सिंपल आप बनाओगे उतना अच्छे से आप समझोगे। आप इसको कैसे सिंपल बनाओगे, सीधा मुझे ये कहना है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन दिस मैनर, इन दिस मैनर मीन्स, दिस मैनर मीन्स व्हाट मैनर, स्ट्रेट मैनर, स्ट्रेट मैनर मीन्स कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे, मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट 180 डिग्री, ठीक है। तो और ये जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, इससे जो लाइन बनती है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, एक पॉइंट ये समझ में आया कि एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, सीधे समझ में आता है इसे, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे आता है, ये सब तो एकदम बच्चे वाले सवाल है, आराम से सब लोग बना लेंगे। मुझे लगता है कि कोई इस सवाल को छोड़ेगा, जैसे पहले इसको हम समझते हैं, ये एक लाइन है, ये भी, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब ये एंगल होगा 180 डिग्री। अगर ये एंगल मान लिया हम एक्स है, जैसे इसको मानते हैं एंगल ए और ये ओ, ए ओ सी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर हम एंगल बी ओ सी
वाई मानते हैं, वाई। तो हम सीधे क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा मुझे, 180 डिग्री, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है। सवाल नंबर वन, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू 5x एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 3x। कैसे बनाएंगे, हमें पता है इस दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इट मींस x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री बाय 8, कैंसिल हो गया 4 से, ये हो गया 2, ये हो गया 45। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 45 पर 2 डिग्री मीन्स 22.12 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें और कैसे सवाल आते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे लगता है समझ भी गए होंगे, बहुत ही सवाल था। अब ये सब सवाल नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अब इस पे देखिए कैसे सवाल आता है दूसरा नंबर, इफ ए बी इज अ लाइन, ठीक है, एंड सेम प्रोसेस है सी। अब इसको दिया हुआ है आपको 5x प्लस 12, ठीक है, एंड ये दिया हुआ है 3x। अब पूछ रहा है x की वैल्यू, और अब x की वैल्यू क्या होगी बताइए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, एक बार बनाइए, और इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 5x प्लस 12 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल, 8x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ये डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया 168 डिग्री, x इक्वल टू 168 बाय 8, एंड ये कर दिया क्या 21 डिग्री, और यही इस सवाल का क्या है आंसर। अब देखिए ये तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी, आराम से बना लेंगे इनको। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब इसमें आपको कंफ्यूजन देगा। अब कंफ्यूजन देता कैसे है वो आपको समझना है, ये तो आप आराम से निकाल बता दिए होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कंफ्यूजिंग कैसे करता है। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। हमेशा आप ये याद रखिए किसी भी सवाल को बनाने से पहले कि क्वेश्चन में दिया गया है, अगर जो दिया है हम उसी को मानेंगे, हम खुद से कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम खुद से कुछ एज्यूम करते हैं तो फिर हो सकता है कि हमारा आंसर गलत आ जाए। हाँ, हम उसका रिजल्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ दिया हुआ है तो उसके अनुसार, उसके बिहाव पे हम इसका क्या प्रॉबर्टी होता है वो हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे कि कुछ भी मान लेंगे, जैसे अच्छा ये ऐसा दिखने में लग रहा है तो हम इसे वो ऐसा मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक सवाल लिखिए आप लोग, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सवाल नंबर 3, इन द
given figure AB is a line. ठीक है, what is the value of x plus y? ये आपका सवाल है, मुझे लगता है आराम से समझ में आ गया होगा सबको सवाल। ये फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस फिगर में AB एक लाइन है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? आप वो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए वीडियो और सवाल बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। मैं आपको देता हूँ जितना भी टाइम आपको चाहिए, आप क्योंकि कितना भी टाइम के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। चलिए, इस फिगर में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दिया क्या है। आपको दिया हुआ है AB एक लाइन है। अब AB एक लाइन है मींस इसका सम 180 डिग्री होगा या फिर इसका सम 180 डिग्री होगा। अगर हम बात करें नीचे से चलते हैं, ठीक है, तो 105 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री ये होगा, ठीक है? मतलब 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। इट मींस x इक्वल टू 75 डिग्री बाय 3 मींस 25 डिग्री। अब देखिए, मुझे नीचे वाले से ये पता चल गया कि x का वैल्यू क्या है, 25 डिग्री है। अगर x 25 है तो 2x क्या हो गया, 50 डिग्री, ठीक है? अब ये 50 है, ये 90 है, दोनों मिला के क्या हो गया 140 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री। मीन्स ये क्या हो गया 140 है, तो ये 40 बच जाएगा, तो y का मान क्या हो गया 40 डिग्री। अब x का वैल्यू क्या है हमारा 25 डिग्री और y का वैल्यू क्या है 40 डिग्री और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री और यही इसका आंसर होगा, ठीक है? अभी हम लोगों को ये नहीं करना है कि ये दोनों एक साथ दिया हुआ है तो हम ऐसे दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस टाइप से y का वैल्यू 175 डिग्री हो जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है? आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हो सकता है ये फिगर ऐसा बना दिया हो सकता है कि फिगर ऐसा हो सकता है कि ये लाइन थोड़ा सा ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो फिगर से लग नहीं रहा था, इसीलिए फिगर पे नहीं जाना, पहले मुझे ये देखना है कि लाइन क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? चलिए, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और सवाल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं एक और सवाल दे देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है? आप लोग इसका होमवर्क बना के कमेंट में बताओगे और अगर फिर भी नहीं हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है? तो सवाल आपका लिख लीजिए होमवर्क, या लोगों को पहला होमवर्क होगा मेरे तरफ से, ठीक? ऐसे ही कोई दिक्कत है? इस फिगर में क्या बोल रहा है आपको कि इन द गिवन फिगर डी टी इज अ लाइन, ठीक है? इस फिगर में क्या है, बी डी एक लाइन है और पूछा वही आपसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये क्या होगा ये आपको कैसे बताएंगे हमें कमेंट करके, ये अब लोगों क्या हो गया होमवर्क हो गया, ठीक है? तो
अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग आराम से पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, आप कमेंट करके आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है? या तो अगर पॉसिबल हो सका तो कमेंट में आंसर दे दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है? तो आप लोग ये लिख दिए होंगे,